अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जो है क्या है कि टी में जो है इक्वेशन दी हुई है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन ये है, टी वाई डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस टी वाई इज इक्वल टू 0, टी वाई इज इक्वल टू 0, जहां पे ये दे रखा है कि y 0 इज इक्वल टू 1 और y ऑफ पाई इज इक्वल टू 0, y ऑफ पाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इस तरह से जो है क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, इसको d में चेंज कर देते हैं, तो t डी स्क्वायर वाई टू डी वाई प्लस टी वाई इज इक्वल टू 0। फिर जो है यहाँ पे जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2L डी वाई और यहाँ पे हो जाएगा L टी वाई इज इक्वल टू 0। फिर जो है यहाँ पे जो है क्या है, एक बार जो है इसके साथ T आ रहा है, तो T के लिए जो है हम लोग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस डी बाय डी एस। कितनी बार है, पावर कितनी, एक है, तो अवकलन भी कितनी बार होगा, एक ही बार होगा। डी स्क्वायर वाई टू एल डी वाई और यहाँ पे फिर से माइनस डी बाय डी एस एल वाई इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब जो है हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये जो है डी बाय डी एस को एज इट इज, और यहाँ पे जो है हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, एल एस स्क्वायर एल वाई माइनस एस वाई 0 माइनस वाई 0 वाई डैश 0, ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट ब्रैकेट में 2 और ये हो जाएगा कि एस एल वाई माइनस वाई 0 माइनस वाई 0 और फिर जो है माइनस साइन डी बाय डी एस और ये भी जो है एस एल वाई और माइनस वाई 0, ठीक है, माइनस वाई 0 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब जो है हम लोग क्या कर लेंगे कि यहाँ पे एल वाई इज इक्वल टू जो है एल वाई इज इक्वल टू यहाँ पे एल ऑफ वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई जो है मान लेते हैं, कैपिटल वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा, इसको ये इक्वेशन जो है पूरी की पूरी जो है चेंज हो जाएगी, तो इस तरह से लिखेंगे माइनस डी बाय डी एस और ब्रैकेट में एस स्क्वायर, पहले आ जाएगा एस स्क्वायर वाई माइनस एस और वाई 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो एस ये 1 और यहाँ पे जो है वाई डैश जो है हमको नहीं दे रखा, तो इसको मैं मान लेती हूँ के, ठीक है, इसको मान लेती हूँ के ब्रैकेट क्लोज प्लस प्लस 2 और ये एस यहाँ पे वाई माइनस 1 क्योंकि वाई 0 की वैल्यू कितनी है 1 और माइनस क्या हो जाएगा माइनस डी बाय डी एस ऑफ वाई, ठीक है, माइनस डी बाय डी एस ऑफ वाई। तो देखेंगे कि यहाँ पे जो है 2ly माइनस डी बाई डी एस ऑफ यहाँ पे हो जाएगा ये होगा माइनस डी बाई डी एस एस एल वाई, ठीक है, ये भी होगा कि एस एल वाई यहाँ पे जो है जबकि d नहीं है तो मैंने गलत लिख दिया, ये हो जाएगा यहाँ पे d बाई डी एस और एल वाई, ठीक है, ये हो जाएगा डी बाई डी एस एल वाई। तो यहाँ पे एक हो जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एस इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब जो है हम लोग क्या कर लेंगे कि अवकलन कर लेते हैं, माइनस साइन तो बाहर है ही, ये हो जाएगा 2sy और ये एस स्क्वायर ये डी वाई बाय डी एस और एस का हो जाएगा 1, ठीक है, के का हो जाएगा 0 और प्लस यहाँ पे 2sy माइनस 2 माइनस डी वाई बाय डी एस, ठीक है, माइनस डी वाई बाय डी एस।
अब जो है नेगेटिव साइन जो है ले लेते हैं अंदर, और डी वाई बाई डी एस के पदों को जो है हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस टू एस वाई माइनस एस स्क्वायर डी वाई बाय डी एस प्लस वन, ठीक है, और प्लस टू एस वाई माइनस टू माइनस डी वाई बाय डी एस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखेंगे कि सबसे पहले जो है डी वाई बाई डी एस के ये दोनों आपस में चले जाते हैं, देखो ये दोनों तो निकल गए, और ये हो जाएगा आपके कि माइनस एस स्क्वायर माइनस वन और डी वाई बाय डी एस, ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस वन माइनस टू प्लस वन माइनस वन, ये इज इक्वल टू जीरो। अब जो है दोनों तरफ से ही नेगेटिव साइन चली जाती है, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस वन डी वाई बाय डी एस इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो गया तो उस तरफ जाके ये माइनस वन हो जाएगा। फिर जो है ये हो जाएगा कि डी वाई इज इक्वल टू माइनस वन अपान एस स्क्वायर प्लस वन डी एस। अब जो है इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका हम लोग जो है समाकलन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कि y इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स s प्लस k, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे दूसरा नाम दे रही हूँ, इसको मैं यहाँ पे कोई कांस्टेंट c भी लिख सकते हो, k भी लिख सकते हो, ठीक है, मैं कैपिटल k लिख रही हूँ, वैसे वहां पे मैंने स्मॉल k लिया था। तो अब जो है क्या करना है, इस आपके k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे ये है आपके एल वाई इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एस प्लस के, ठीक है। तो जब जो है हम लोग एस जो है वो इंफिनिटिव होता है, ठीक है, हमारी एल वाई की परिभाषा क्या है, सबसे पहले मैं एल वाई की परिभाषा लिखती हूँ, तो देखेंगे कि मेरा एल वाई ये होता है, एल वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटिव ई की पावर माइनस एस टी और वाई और ये डी टी। वाई इज इक्वल टू क्या है, वाई इज इक्वल टू यहाँ पे एफ टी है, तो मैं एफ टी नहीं लिख रही हूँ, एफ टी की जगह पे मैं यहाँ पे वाई लिख रही हूँ, ठीक है, एफ टी की जगह पे मैं यहाँ पे वाई लिख रही हूँ। तो यहाँ पे जो है आपका वाई इज इक्वल टू क्या है, ये एफ टी, क्योंकि यहाँ पे मैंने एल वाई लिखा है ना, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे भी वाई लिख रही हूँ। तो हम लोग जो है अगर एस इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, ठीक है, अगर एस इज एस जो है वो इन्फिनिटिव लेते हैं, एस इज इक्वल टू इन्फिनिटिव लिख सकते हैं, कि जैसे जो है एस जो है इन्फिनिटिव की तरफ जाएगा, तो चलिए करके देख लेते हैं कि ये मेरा एल वाई जो है ना वो क्या होगा, वो जीरो की तरफ जाएगा, तो फाइंड करके देख लेते हैं। तो एल वाई जीरो से इन्फिनिटिव और ई की पावर माइनस इन्फिनिटिव इंटू टी वाई डी टी। अब देखिए ई की पावर माइनस इन्फिनिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो। ई की पावर माइनस इन्फिनिटिव यहां पे क्या हो जाएगा, ये जीरो, क्योंकि ये क्या होगा, वन अपॉन इन्फिनिटिव, वन अपॉन इन्फिनिटिव होता है जीरो। तो जैसे एस जो इन्फिनिटिव की तरफ जाता है, एल वाई जीरो की तरफ जाता है, तो अगर मैं यहाँ पे एस की जगह पे इन्फिनिटिव लिखती हूँ, तो ये हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटिव होता है, मैं पहले लिख लूं एल वाई और टेन इनवर्स एस प्लस के, तो एस की जगह पे मैं अगर इन्फिनिटिव लिख दूं तो टेन इनवर्स के इन्फिनिटिव प्लस के, तो ये आ जाता है पाई बाय टू, ये आ जाएगा पाई बाय टू, ये आ जाएगा जीरो, ये आ जाएगा जीरो, ये पाई बाय टू और प्लस यहाँ पे के, ये आ जाएगा प्लस यहाँ पे के, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, के की वैल्यू ये कैपिटल के की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, पाई बाय टू, ठीक है, पाई बाय टू। तो एल वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो ये परिभाषा से लिया मैंने, ठीक है, जो आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो परिभाषा है उसी से लिया है मैंने। तो ये आ जाएगा कि एल वाई इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एस प्लस पाई बाय टू, तो ये हो जाएगा पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स एस, पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स एस इज इक्वल टू होता है कॉट इनवर्स एस, लेकिन कॉट इनवर्स एस नहीं लिखती हूँ मैं, लिखूंगी यहाँ पे मेरे टेन इनवर्स वन अपॉन एस, क्योंकि ये त्रिकोणमिति से लिख रही हूँ, ये हो जाएगा टेन
वन अपॉन एस, ठीक है, ये हो जाएगा वन अपॉन एस। तो यहाँ पे जो है देखेंगे कि बस लास्ट के कुछ स्टेप्स जो है यहाँ पे बचते हैं। तो अब जो है मुझे क्या ज्ञात करना है कि एल वाई इज इक्वल टू मेरे क्या आ गया, एल वाई इज इक्वल टू आया टेन इनवर्स एस, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू एल इनवर्स टेन इनवर्स वन अपॉन एस, ठीक है, वन अपॉन एस। अब जो है इसको मैं क्या करूंगी कि पहले टेन इनवर्स का जो है अवकलन कर लेती हूँ, ठीक है, टेन इनवर्स का अवकलन कर लेती हूँ। तो ये हो जाएगा डी बाय डी एस ऑफ टेन इनवर्स वन अपॉन एस इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस ये वाई स्क्वायर, ठीक है, वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर सॉरी, और माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, एस स्क्वायर प्लस वन। अब जो है इसका एल ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू होता है साइन टी, इज इक्वल टू होता है साइन टी। तो अब जो है मैं लेती हूं कि एल ऑफ टी इंटू एफ टी इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी एस, माइनस डी बाय डी एस ऑफ टेन इनवर्स वन अपॉन एस, डी बाय डी एस टेन इनवर्स वन अपॉन एस। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू तो क्या है, ये है, तो इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। तो ये आ जाएगा आपके वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो ये आया एल ऑफ टी इंटू एफ टी इज इक्वल टू आया वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। तो टी एफ टी इज इक्वल टू आ जाएगा एल इनवर्स वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। तो टी एफ टी इज इक्वल टू साइन टी, तो ये हो जाएगा एफ टी इज इक्वल टू साइन टी अपॉन टी, ठीक है। तो एफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे साइन टी अपॉन टी। तो देखिए यहाँ पे आपके वाई जो है आपके प्राप्त हो गया, वाई क्या होगा, वाई होगा साइन टी अपॉन टी, वाई क्या हो जाएगा साइन टी अपॉन टी। तो देखिए किस तरह से जो है ये अवकल समीकरण जो है सुनो मैम ये जाते मैम है।